हाय, मैं ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर हाइड्रोजन। वीडियो नंबर 3 है, टॉपिक है हमारा वाटर यानी कि पानी। तो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो वाटर दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, और वाटर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना है ग्राउंड वाटर कितना है ओशंस। ये है सिर्फ जानकारी के लिए, इसको रटने नहीं बैठना है। वाटर काफी ज्यादा इसेंशियल है, आप देख सकते हैं। छोटी मोटी बातें हम करेंगे, सिर्फ काम की बातें यहाँ पर, और काम की बातें शुरू कर सकते हैं हम लोग अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी से। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर की, वो ये हैं कि ये कलरलेस है, ये टेस्टलेस है, लिक्विड है, और साथ में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये अनयूजुअल प्रॉपर्टीज शो करता है थोड़ी बहुत, ड्यू टू इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H2O के अंदर काफी मशहूर है, आपने सुनी जरूर होगी अब तक कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जैसे H2O है, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 कहते हैं हम इसको, बिकॉज ऑक्सीजन इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। इसका अगर बड़ा भैया बनाए तो H2S बनाना पड़ेगा, और बड़े भैया बनाए तो H2S ही बनाना पड़ेगा। बोला जाता है कि H2O जो है वो अलग प्रॉपर्टी शो करता है एज कम्पेयर टू H2S एंड H2SE। वाई? बिकॉज H2O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसी वजह से वो काफी सारी अलग प्रॉपर्टी शो करता है जो आपको आगे देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका थर्मल कंडक्टिविटी, इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डायपोल मोमेंट, सब 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 बढ़ जाता है, बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। राइट, अब मैं बढ़ूंगा आगे, आप इन बातों को ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल रटने की अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं आई, कोई भी ऐसी बात नहीं आई जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता हो, जरूर आगे आएगी। तो नेक्स्ट पेज पे मैं जाना चाहूंगा, ठीक है? तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। और ये ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनको आप लोग देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, फील ले सकते हो थोड़ी बहुत, राइट? बट हम करेंगे थोड़ी सी काम की बात यहाँ पे। और अगर मैं बोलूं आप लोगों को हम काम की बात करेंगे, तो हम काम की बात स्टार्ट कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर से, राइट? हम इसके स्ट्रक्चर से इसके काम की बात स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पेज सेट। तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में भी होता है, वाटर जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और वाटर जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो गैसियस फॉर्म में भी होता है, राइट? नॉर्मली H2O की तरह ही एग्जिस्ट करता है। लिक्विड फॉर्म में वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में भी होता है, बट सॉलिड फॉर्म के अंदर एक खास बात है, सॉलिड फॉर्म के अंदर इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है, होता तो वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट्स वाई इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज काफी अच्छा आता है। अगर दूसरा मैं मॉलिक्यूल कंसीडर करूं वाटर का, ये रहा जो कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में ये जो इंटरैक्शन हो रही है, ये जो इंटरैक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी 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 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव इट इज। तो वो हाइड्रोजन को बुलाता है कि भैया आओ, तुम पर प्लस है, तुम पर माइनस है, और आपस में मिलकर के गुलगुल करते हैं। That is called hydrogen bonding. That is called hydrogen bonding. तो अब solid form में पानी के साथ हुआ क्या, इसको ध्यान से सुन लीजिए। Solid form में इस तरीके से इसको चारों तरफ से water के molecules इस तरीके से रहेंगे, और इनके बीच में hydrogen bonding होगी, और यूं करके एक tetrahedral arrangement जो है वो generate हो जाएगा। और ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, यही स्ट्रक्चर बिल्कुल आइस का स्ट्रक्चर है। वाटर सॉलिड फॉर्म में आइस में एग्जिस्ट करता है, आपको मालूम ही है। तो आप ये देख सकते हो कि ये टेट्राहेड्रल जो अरेंजमेंट बना है आइस का, ये इस टाइप से बन गया कि इसके बीच में जो है वो खाली स्पेस जनरेट हो गई, राइट? इसके बीच में हम यूं कह सकते हैं कि वॉइड्स जनरेट हो गए, काफी सारे खाली स्पेस है इसके बीच में, इतने सारे खाली स्पेस है इसके बीच में। इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के चक्कर में इसके बीच में बेहद सारे खाली स्पेसेस जनरेट हो गए जिसके अंदर एयर होगी, राइट? अब एयर होने से क्या हुआ, डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम।
आपको मालूम है अगर खाली स्पेस काफी ज्यादा है उसके अंदर एयर घुस सकती है, तो कायदे से हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। इसका वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। दैट इज वाई दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू वॉटर, इसीलिए आपकी बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। आपकी आइस की डेंसिटी आपकी वाटर की डेंसिटी से कम इसलिए होती है क्योंकि आइस का जो स्ट्रक्चर है दैट इज केज लाइक, इसको बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? इसको बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें हर एक ऑक्सीजन को टेट्राहेड्रली इट इज सराउंडेड बाय अदर ऑक्सीजन एटम्स। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में दूसरे ऑक्सीजन ने इसको सराउंड कर रखा होता है, काफी ज्यादा इसके बीच में गैप आ जाता है, एयर आ जाती है, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गई। तो ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को कनेक्ट हो गई होंगी, राइट? तो बस आप इसी तरीके से ये पैराग्राफ जो है ऊपर गिवन पैराग्राफ आराम से पढ़ सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ, राइट? आओ बेटा नीचे, आ गए नीचे। ठीक है, तो ये है आप लोगों का क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में जो बातें हैं वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि ये जो है वो हेक्सागनल फॉर्म में भी होता है, बट कम टेम्परेचर पे जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि क्यूबिक फॉर्म में आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा छोटा हो जाता है, राइट? ठीक है, तो कम टेम्परेचर पर जो है वो ये क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बस यही है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो आप लोग याद रखिएगा सॉलिड फॉर्म में इस पे एक क्वेश्चन बनता है, राइट? डेंसिटी ऑफ आइस पे ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फर्दर इसका बॉन्ड एंगल आप लोग कर सकते हैं, गैसियस फेज में है ये, राइट? ठीक है, और बॉन्ड एंगल काफी बार हमने पढ़ा भी है, 104.5 डिग्री है, राइट? तो इतना ही करना है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। ठीक है, आप लोग इस लाइन को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं हम लोग पकड़ के, राइट? चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो आइस वाला स्ट्रक्चर था उसके अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम की दूरी बता रखी है। स्टिल किसी बहुत ज्यादा आप लोगों के काम की नहीं है, बट फिर भी ठीक है, नोट आप लोग कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर तो दोस्तों रिएक्शंस होती हैं, हमको रिएक्शंस करनी होती हैं, और यहाँ पे अगेन आपको काफी सारी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। सबसे पहली रिएक्शन जो आपको देखने को मिलेगी दैट इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक का मतलब है ये वाटर, ये जो पानी है वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। जो स्पीशी एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों की तरह बिहेव कर सकती है दैट स्पीशीज कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितना ये गिरगिट की तरह रंग बदल लेगा H2O हमारा जब अमोनिया के साथ आएगा। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस की एक डेफिनेशन थी, जो H+ एक्सेप्ट करता है वो जो होता है वो बेस होता है, और जो H+ लूज करता है, ठीक है, वो क्या होता है आप लोग का? एसिड होता है। ठीक है, तो जो H+ एक्सेप्ट करता है, जो H+ एक्सेप्ट करता है दैट इज बेस, एंड जो लूज करता है दैट इज एसिड। तो आप देख सकते हैं यहां से H2O और NH3 के अंदर देखेंगे अगर, तो NH3 पे जो है वो लोन पेयर है, और अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे इसका साथ ही साथ में तो NH3 ने, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, H2O ने H+ लूज किया है यहां पे और OH- बनाया, और NH3 ने गेन किया है। तो ये जो महाशेदी हो गए यहां पे, ये बेस हो गए, और यहां पे फिर किसका काम कर दिया इन्होंने? एसिड का काम कर दिया। बिल्कुल इसका उल्टा काम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये H3O+ बन गया, यानी कि अब ये जो है वो बेस है, और H2S ने जो काम किया है वो एसिड का काम किया। तो आपको ये दोनों रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी, याद करने का बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। H2O ने H+ जब लूज किया है और NH3 ने गेन किया है, काफी ज्यादा सिंपल है, मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा आप लोग को, राइट? इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो एक मेरे पास टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दे रखी है मेरे को, और लिख रखा है यहाँ पे कि वाटर जो है वो ऑटोप्रोटोलिसिस भी करता है। ऑटोप्रोटोलिसिस का मतलब है ये आपस में ही H+ का लेन देन करता रहता है दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ में, दैट इज कॉल्ड ऑटोप्रोटोलिसिस। इस पे एक क्वेश्चन बना हुआ है NCERT में, ठीक है, तो आप लोग इसको याद करेंगे कि ये किस तरीके से ऑटोप्रोटोलिसिस करता है। बेसिकली आपको केवल और केवल ये रिएक्शन याद करनी है और बताना है कि H2O भैया खुद ही H+ का लेन देन करता रहता है आपस में ही, राइट?
तो अगर H2O ने H प्लस दे दिया तो पीछे बचेगा OH माइनस, और दूसरे ने गेन किया तो दूसरा बचेगा, दूसरा बन जाएगा H3O प्लस, राइट। तो ये हो गई तीन रिएक्शंस काम की। सबसे पहले वाटर ने काम किया एसिड की तरह, फिर काम किया बेस की तरह, देन इसने ऑटोप्रोटोलिसिस की रिएक्शन करी। तीन रिएक्शन हो गई। आगे बढ़ते हैं इसके रिडॉक्स नेचर की तरफ। रिडॉक्स रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रहता है, राइट। तो अब अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये मेटल के साथ, तो मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद जो हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना। Na ने ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, H2O ने गेन किए होंगे, तो H2O जो हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होता है वाटर, क्या देता है H2 देता है, राइट। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि H2O का ऑक्सीडेशन हो गया जब वो CO2 के साथ रिएक्शन करी। जब H2O ने CO2 के साथ रिएक्शन करी तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया और वो O2 में कन्वर्ट हो गया, राइट। याद रखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ आ गया। फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन खींचेगा तो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दैट्स व्हाई H2O जब ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो बेसिकली ये आपको सारी की सारी रिएक्शंस याद रखनी है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप एक बार कॉपी पे लिख के देख लीजिए और याद रखिए H2O कब ऑक्सीडाइज हुआ, कब रिड्यूस हुआ। ऑक्सीडाइज होके O2 देगा, रिड्यूस होके H2 देगा, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है इसमें हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन। अब क्योंकि क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट काफी ज्यादा हाई होता है, यूं करके वो अगर कोवलेंट मॉलिक्यूल है और आयनिक मॉलिक्यूल है तो काफी सारे मॉलिक्यूल जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तभी H2O जो है वो बेहतर एक सॉल्वेंट का काम करता है। काफी सारी रिएक्शंस में हम इसको सॉल्वेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी क्योंकि सबसे सस्ता सॉल्वेंट आप लोग कह सकते हो, ठीक है, तो काफी ज्यादा काम आता है ना, काफी ज्यादा काम आता है। तो आप लोग देख लीजिए कैसे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके सॉल्वेट हो रहे हैं, पानी में मिल रहे हैं, पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके की रिएक्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगी। नाउ अगले टॉपिक पर आएंगे हम लोग, और अगला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेट बनेंगे इसके अंदर, राइट। हाइड्रेट फॉर्मेशन, एक ऊपर और रिएक्शन दे रखी है आयन की, राइट, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट की फॉर्मेशन करनी है आप लोगों को, राइट। अब हाइड्रेट फॉर्मेशन भी तीन टाइप के हैं, आप देख लीजिए। कोऑर्डिनेटेड वाटर, कोऑर्डिनेटेड वाटर का मतलब है यहाँ पे H2O ने अपने लोन पेयर जो है वो दान किए होंगे इस क्रोमियम मेटल को इस तरीके से, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्म किया होगा, राइट। अब जितने यहाँ पे H2O लगे हैं उतने अलग 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 H2O ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, किसके साथ, क्रोमियम के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटेड वाटर। इसके बारे में आपको और एक्सप्लेनेशन मिलेगी क्लास 12th के अंदर, कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर। बहुत बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट आप इस तरीके से समझिए, क्रोमियम के साथ में 6 H2O लगे हुए हैं और सारे के सारे अपना लोन पेयर दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कोऑर्डिनेटेड वाटर। और इसको आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही दिखाएंगे, बाहर पड़े होते हैं आयंस। दूसरा इंटरस्टीशियल, इसके अभी आपको एग्जांपल याद करने हैं, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना। इंटरस्टीशियल वाटर, इंटरस्टीशियल का मतलब है कोई आप लोगों का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल का फ्रेम है, उसके बीच में जो जगह है उसके बीच में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो रखे हैं। तो उसका जो एग्जांपल है वो BaCl2.2H2O है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर की बात करूंगा, तो यहाँ पे अब आपको समझने की जरूरत है कि ये देखो, ये फॉर्मूला पूरा और ये फॉर्मूला पूरा सेम ही है बिल्कुल, CuSO4.5H2O, आपने इसको काफी बार सुना भी होगा, राइट। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे चार मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरीके से वाटर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और एक जो H2O का मॉलिक्यूल है वो इस पूरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक इंटरेक्शन है, आई रिपीट, एक जो बाहर पड़ा H2O है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा है। अब इसको आपको याद ही रखना पड़ता है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। याद रखना पड़ेगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक जो H2O है वो बाहर की साइड पे है और बाकी जो है वो अंदर है। तो ये अगला क्वेश्चन इसी पे है बिल्कुल, कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर इन CuSO4.5H2O। तो आपको पता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है पूरा कंप्लीट वो ऐसे होता है, जिसमें चार जो है वो H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं और एक जो H2O वो बाहर है, जो बाहर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि इंटरेक्शन से जुड़ा है, और जो अंदर है वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर देके। और इसी के साथ हमारा वाटर टॉपिक खत्म होता है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हम लोगों ने।
अच्छे अच्छे एग्जाम लेवल्स तक के लिए एनसीईआरटी बहुत है हाइड्रोजन चैप्टर तक की, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।